हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन। तो आज हम यहाँ पे न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम, जिसमें कि हम फर्स्टली लेते हैं यहाँ पे टर्मलॉजी, जिनमें कि कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो आप टर्म्स उनको जब एनिमल किंगडम के हम फाइनल डिस्क्राइब करेंगे तो उसमें ये टर्म्स यूज होंगी, और अगर आपको ये टर्म्स पता होंगी तो आप उसको ईजिली फाइलम के करेक्टर्स को ईजिली समझ सकते हो। और ये टर्मलॉजी जो पढ़ रहे लेंगे हम इसमें, वही यही टर्म्स जो होती हैं, यही जो टर्म्स हैं वो क्लासिफिकेशन का बेस है कि जिस बेसिस पे एनिमल किंगडम को आगे डिवाइड करा गया है। तो टर्मोलॉजी में और इम्पॉर्टेंट भी है, इस पे क्वेश्चंस भी काफ़ी बन जाते हैं और एग्जाम्स में, और इसी के बेसिस पे आप फाइलम्स को करेक्टराइज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले फर्स्ट टर्म लेते हैं यहाँ पे कौन सी, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो फर्स्ट जो टर्म है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब है कि बॉडी किस ऑर्गेनाइजेशन से फॉर्म्ड हुई है, किस लेवल तक उसका ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरह की बॉडी का फॉर्मेशन है। तो हमारे पास चार लेवल होते हैं, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गेन लेवल एंड ऑर्गेन सिस्टम लेवल। ये चार लेवल्स हैं, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गेन एंड ऑर्गेन सिस्टम। जब किसी भी एनिमल की बॉडी सिर्फ सेल्स की बनी हुई है, उसमें कोई भी टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो वो लेवल कौन सा कहलाएगा, सेलुलर लेवल। जैसे कि फाइलम हमारा पॉलीफेरा, जिसमें कि स्पॉन्जेस आती हैं, उनकी बॉडी में कोई भी टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं है, मल्टीसेलुलर है बॉडी बट कोई टिश्यू फॉर्म नहीं है, तो उसका लेवल क्या हुआ, सिर्फ सेलुलर। नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पे टिश्यू, सेल्स बन गई, सेल्स आपस में ज्वाइंट होके उन्होंने एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करा, ग्रुप ऑफ सेल्स बन गया, वो बन गया टिश्यू। तो जब बॉडी के अंदर टिश्यू फॉर्म हो गए हैं और उसके आगे किसी और न्यू उसका फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो वो लेवल कौन सा कहलाएगा, टिश्यू लेवल। उसके बाद टिश्यू के बाद फॉर्मेशन हुआ जिन एनिमल्स में ऑर्गन का ऑर्गन बन गए, तो उनके अंदर ऑर्गन सिस्टम नहीं बना, तो वो क्या कहलाएगा, लेवल ऑर्गन लेवल। एंड लास्ट लेवल होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल। जैसे कि सेल्स हैं, सेल से टिश्यू बन गए, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, इस तरीके से डिफरेंट टिश्यूज बन गए। जब तक ये टिश्यू प्रेजेंट था टिश्यू लेवल, फिर उस तरह से ऑर्गन्स बन गए, स्टमक बन गया, लिवर बन गया, हार्ट बन गया, लंग्स बन गए, किडनी बन गई, है ना, ओवरी बन गई, टेस्टिस बन गई, तो ये सब जो ऑर्गन बन गए बॉडी के अंदर, तो वो कहलाया ऑर्गन लेवल। और जब एक पर्टिकुलरली बॉडी के अंदर सिस्टम्स फॉर्म्ड होने स्टार्ट हो गए, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, और आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इस तरीके से जब सिस्टम्स फॉर्म्ड हो गए, तो वो लेवल कहलाया ऑर्गन सिस्टम लेवल, और बॉडी कैसी हो गई, कॉम्प्लेक्स हो गई। उसके बाद हम सेकेंड टर्म लेते हैं यहाँ पे सिमेट्री। सिमेट्री क्या होती है, सिमेट्री मतलब क्या हुआ, जैसे कि हम लोग मैथ्स में भी पढ़ते हैं कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी फिगर को जब इक्वल टू हाफ्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, जो दोनों हाफ्स एक दूसरे के आइडेंटिकल हो, दैट इज अ सिमेट्री। तो सिमेट्री जो ऑर्गेनिज्म शो करेगा वो कहलाती है सिमेट्रिकल, और जो शो नहीं करते वो होते हैं असिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल मतलब बॉडी कांट बी डिवाइडेड इंटू टू इक्वल हाफ्स, जब बॉडी किसी भी दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं हो रही है, दैट इज अ असिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल जब बॉडी टू इक्वल आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड हो रही है, दैट इज अ सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में अब हम तीन टर्म्स लेंगे, स्फेरिकल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री एंड थर्ड वन इज द बाइलेटरल सिमेट्री। स्फेरिकल सिमेट्री होती है, ये हमारी यंग एम्ब्रियोज में जो एग होते हैं, अर्ली एम्ब्रियो होते हैं, उस स्टेज में शो होती है, क्योंकि उस टाइम पे उनकी शेप जो है स्फेरिकल फॉर्म में होती है, तो उसी में ये सिर्फ स्फेरिकल सिमेट्री शो होती है। तो इसमें बॉडी जो भी एम्ब्रियो है या एग है, वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहा है सिर्फ एक प्लेन के थ्रू, जो भी सेंटर से होता हुआ जाएगा। जैसे अगर मैं ये बनाऊं तो इस तरीके से ये कट हो रहा है, तो ये कौन सी सिमेट्री कहलाएगी, हमारी स्फेरिकल सिमेट्री। सेकेंड वन इज द रेडियल सिमेट्री, इसमें भी बॉडी टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रही है, लेकिन किसी भी प्लेन से हम डिवाइड कर सकते हैं उसको, किसी भी प्लेन से, लेकिन उसका सेंटर से होके जाना जरूरी है, टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल हम लेते हैं स्टारफिश, हाइड्रा, जेलीफिश। स्टारफिश जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, इस तरीके से ड्रॉ करी जा रही है ऐसे, तो इसमें हम लोग जो डिवाइड करेंगे वो बॉडी इस तरह से, आप इसको इस तरह से डिवाइड करो, ऐसे डिवाइड करो, ऐसे करो, लेकिन हमारा किसी भी प्लेन से हम डिवाइड कर रहे हैं, बट हमेशा इक्वल हाफ्स में बॉडी डिवाइड हो रही है और सेंटर से होते हुए जा रही है, लाइन कट कर रही है, तो ये सिमेट्री कौन सी हुई, हमारी रेडियल सिमेट्री।
थर्ड इज द बाइलेटरल सिमेट्री, जैसे कि हम लोगों में ह्यूमंस में जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं इनवर्टिब्रेट्स हैं उनमें शो होती है। इसमें बॉडी टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड होती है लेकिन सिर्फ वन प्लेन के थ्रू, सिर्फ एक ही प्लेन से हम इसको एक बार ही कट करके बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं, चाहे वो हॉरिजॉन्टल प्लेन हो, वर्टिकल प्लेन हो, ट्रांसवर्स प्लेन हो, ट्रांसफर प्लेन हो, किसी भी प्लेन से, एक ही प्लेन से जब हम बॉडी को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं तो वो कौन सी हुई? बाइलेटरल। जैसे कि हमारी बॉडी सिर्फ ऐसे डिवाइड हो सकती है तो वो कौन सी हुई? हमारी बाइलेटरल सिमेट्री। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे लेते हैं बॉडी प्लान। तो बॉडी प्लान में कि किस तरीके से बॉडी के अंदर अरेंजमेंट है, और उनके अंदर सबसे पहले बेसिकली बॉडी प्लान में आती है हमारी जर्म लेयर्स। तो बॉडी के अंदर जर्म लेयर्स होती है, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तब जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन होता है, और वही जर्म लेयर्स हमारे पूरे बॉडी के पार्ट्स के ऑर्गन्स को फॉर्म करती है। तो उसके बेसिस पे हमने दो टर्म्स यहाँ पे लिख ली हैं, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक मतलब हैविंग टू जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तीन टाइप की जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। एक्टोडर्म आउटर वाली, एंडोडर्म इनर वाली, और दोनों के बीच की लेयर होती है मीजोडर्म। जब सिर्फ बॉडी के अंदर सिर्फ दो जर्म लेयर प्रेजेंट हो, कौन सी? एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, दैट इज अ डिप्लोब्लास्टिक। ठीक, लेकिन जब तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट होंगी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, तो कौन सी हुई? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लो मतलब थ्री, डिप्लो मतलब टू। हैविंग द टू जर्म लेयर, दैट इज अ डिप्लोब्लास्टिक, एंड जर्म लेयर्स आर दी एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक हैविंग द थ्री जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। तो इसमें निडेरिया एग्जाम्पल आता है डिप्लोब्लास्टिक के अंदर, निडेरिया और टीनोफोरा। ठीक है, ये दोनों इसके एग्जाम्पल्स हैं जिनके अंदर डिप्लोब्लास्टिक नेचर मिलती है, और इन दोनों फाइलम के अलावा बाकी के जितने भी फाइलम हैं वो सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, मेंशन करा हुआ है मैंने, उसमें जो फर्स्ट पार्ट है ए पार्ट, उसके अंदर देखिए हम, मैंने ब्लू कलर की और एक ब्लैक कलर की लेयर शो हो रही है। ब्लैक कलर की जो आउटर लेयर है वो क्या है? एक्टोडर्म है, और जो ब्लू कलर की एक्टोडर्म है, और ब्लैक कलर की क्या है वो? एंडोडर्म। और उनके जो बीच का स्पेस दिख रहा है आपको पिंकिश कलर में, वो होता है मीसोग्लिया। वो उन दोनों के बीच का स्पेस है जो कहलाता है मीसोग्लिया, और जो एक मतलब कि फ्लूड फॉर्म, फ्लूड फिल्ड रहता है उसके अंदर, तो वो उसको कवर करके रखता है आपस में। और जो सेकंड डायग्राम है वो क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक को शो कर रहा है, उसमें तीन जर्म लेयर्स शो होंगी, आउटर वाली ब्लू कलर की एक्टोडर्म, बीच वाली जो दिख रही है रेडिश पिंकिश कलर में वो हो गई मीजोडर्म, और जो थर्ड वाली जो ब्लैक कलर की लेयर है वो हो गई एंडोडर्म। तो इन दोनों के बीच में मीजोग्लिया की जगह क्या फॉर्म हो गए यहाँ पे? मीजोडर्म। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हमने बोला एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में क्या प्रेजेंट है? मीजोग्लिया। ठीक है, मीसोग्लिया एक जेली लाइक, इस मतलब इसके अंदर जेली लाइक फ्लूइड सब्सटेंस फिल रहता है। तो ये हो गई आपकी दो टर्म्स, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। फिर नेक्स्ट टर्म आती है सिलोम, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है। पहली बात तो सिलोम क्या होती है? बॉडी कैविटी। अब कैविटी क्या होती है, कहाँ पे प्रेजेंट होती है? तो कैविटी प्रेजेंट होती है बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में। तो गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में एक स्पेस होता है जिसको कि हम कैविटी बोलते हैं, यानी कि सिलोम बोलते हैं। तो सिलोम जो है उसमें हमें तीन टर्म्स ली, असिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट, सिलोमेट। असिलोमेट मतलब ए मतलब एब्सेंट, एब्सेंट सिलोम, तो इसका मतलब क्या हो गया? नो सिलोम, नो बॉडी कैविटी। बॉडी के अंदर, एनिमल के अंदर कोई भी जब बॉडी कैविटी नहीं होती है, एब्सेंट होती है, तो वो क्या कहलाते हैं? असिलोमेट एनिमल्स। स्यूडोसिलोमेट का मतलब होता है फॉल्स सिलोम, यानी कि सिलोम तो प्रेजेंट है बट कैसी है वो? फॉल्स है। अब उसको हम फॉल्स क्यों बोलते हैं? तो फॉल्स सिलोम जब कैविटी को क्या नहीं करती, मीजोडर्म लाइंड अप नहीं करती है, है ना? तो मीजोडर्म अगर लाइंड अप नहीं करेगी तो वो क्या कहलाती है हमारी? फॉल्स सिलोम। कैविटी इज नॉट लाइंड अप बाय मीजोडर्म तो वो क्या कहलाती है हमारी? स्यूडोसिलोम, है ना? और जिन एनिमल्स में स्यूडोसिलोम प्रेजेंट होगी तो वो एनिमल्स कहलाएंगे स्यूडोसिलोमेट। तो इसमें एग्जांपल जो आता है वो आ जाते हैं हमारे राउंड वर्म्स। सिर्फ राउंड वर्म्स होते हैं, यानी कि एस्कल्मिन्थिस, जिसमें कि सिर्फ स्यूडोसिलोम प्रेजेंट होती है, और बाकी के जितने भी उसके आगे के फाइलम आएंगे वो कहलाएंगे सिलोमेट,
और उससे पहले के फाइलम जो होंगे वो असिलोमेट, ठीक है। जब ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर आ जाती है तब उसमें मैक्सिमम सिलोमेट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट जो हुई वो हो गई ट्रूसिलोम। ट्रूसिलोम मतलब ट्रूसिलोम प्रेजेंट है, बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, ट्रूसिलोम है। क्यों है ट्रूसिलोम? क्योंकि कैविटी जो है वो किससे लाइंड अप है, इज लाइंड अप बाय मेसोडर्म, ठीक है। तो वो हमारी कहलाती है ट्रू सिलोम्स, है ना। और जिनमें ट्रू सिलोम प्रेजेंट है तो वो एनिमल्स क्या कहलाएंगे, सिलोमेट। असिलोमेट एनिमल्स हैविंग नो सिलोम दैट इज असिलोमेट, एनिमल्स हैविंग फॉल्स सिलोम दैट इज अ स्यूडोसिलोमेट, एंड एनिमल्स हैविंग द सिलोम दैट इज अ सिलोमेट। तो तीन टर्म्स हमारी यहाँ पर आती हैं। तो आप ये देखिए डायग्राम में यहाँ पे मेंशन करा हुआ है ये डायग्राम, इसमें आप देख सकते हो फर्स्ट जो डायग्राम शो हो रहा है उसमें व्हाइट कलर का जो स्पेस दिखाई दे रहा है, फर्स्टली ब्लू कलर की लाइन है मेसोडर्म एक्टोडर्म, सेकेंड जो लाइन आ रही है रेड कलर की वो मेसोडर्म है, और उसके बाद जो स्पेस दिख रहा है वो है बॉडी कैविटी। तो बॉडी कैविटी चारों तरफ से किससे कवर्ड हो रही है, उसमें मेसोडर्म से, तो वो कौन सी सिलोम हुई, ट्रू सिलोम, ठीक है। उसके बाद उसमें जो नेक्स्ट लेयर आएगी बॉडी व्हाइट कलर के स्पेस के बाद, उसमें देखो रेड कलर की है वो भी मेसोडर्म ही है, उसके बाद ब्लैक कलर की जो लेयर है वो है एंडोडर्म, ठीक है। तो वो क्या हुए हमारे, ट्रू सिलोम यानी कि सिलोमेट प्रेजेंट हुई। सेकेंड जो डायग्राम शो हो रहा है वो शो हो रहा है फॉल्स सिलोम का, स्यूडोसिलोमेट का। तो आप उसमें देख सकते हो ब्लू कलर की जो आउटर लाइन है एक्टोडर्म, उसके बाद व्हाइट कलर का जो स्पेस है जिसके अंदर चार पैचेस दिख रहे हैं रेड कलर के सर्कल में, वो मेसोडर्म है। तो मेसोडर्म इसमें उसको कैविटी को लाइंड अप ना करके वो क्या हो गई, पैच फॉर्म में आ गई। तो इसलिए हम उस सिलोम को क्या बोलते हैं, फॉल्स सिलोम। तो जिन एनिमल्स में इस टाइप की सिलोम होगी वो होगा स्यूडोसिलोमेट। फिर थर्ड जो स्ट्रक्चर शो हो रहा है उसके अंदर आप देखोगे एक्टोडर्म मेसोडर्म और एंडोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म के बीच में कोई भी व्हाइट स्पेस नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि वहां पर कैविटी एब्सेंट है। तो वो टर्म वो क्या हो गए, असिलोम, ठीक है, सिलोम एब्सेंट। तो एनिमल्स कैसे हो गए, असिलोमेट, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पे सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी। तो बॉडी के अंदर सेगमेंट जब दिखाई देते हैं तब हम उसको बोल रहे हैं सेगमेंटेशन। तो दो टाइप के सेगमेंटेशन होते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड नॉन मेटामेरिक सेगमेंटेशन। जब सेगमेंटेशन बॉडी के अंदर एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइड होता है तो वो सेगमेंटेशन मेटामेरिक कहलाता है, और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं मेटामेरिज्म। और हमेशा जब भी इसमें सेगमेंट ऐड होगा, न्यू सेगमेंट जब बनेगा वो कौन से एंड पे ज्वाइंट होगा, इसमें वो एंड ज्वाइंट होता है पोस्टीरियर एंड से, ठीक है। इसमें पोस्टीरियर एंड से ज्वाइंट होगा कोई भी जो सेगमेंट न्यू बनेगा, ठीक है। और इसमें जो एग्जांपल आता है वो है अर्थवर्म। और इसके अंदर नॉन मेटामेरिक जो होते हैं इसमें डिवाइड जो होती है बॉडी वो एक्सटर्नली डिवाइड होती है, पूरी तरीके से इंटरनली डिवाइड नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें जो है जो भी न्यू सेगमेंट बनेगा वो एंटीरियर साइड पे बनेगा, एंटीरियर एंड पे ज्वाइंट होगा, ठीक है। इसमें एंटीरियर एंड पे न्यू सेगमेंट ज्वाइंट होता है, और इसमें एग्जाम्पल आ जाता है जैसे टेपवर्म, ठीक है। हमको एक्सटर्नली तो दिखता है कि वो डिवाइड है बट इंटरनली पूरी तरीके से वो डिवाइड नहीं होते हैं उसके सेगमेंट्स। तो इस फिनोमिना को मेटामेरिक जिसमें प्रेजेंट होंगे वो मेटामेरिज्म कहलाता है। नेक्स्ट हमें हमारे यहाँ पे पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। तो पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट में दो चीजें हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर, ओविपैरस। ओविपैरस एनिमल्स कौन से होते हैं जो क्या करते हैं, ले द एग, जो एग्स ले करते हैं, ठीक है। जो एनिमल्स यंग वन प्रोड्यूस ना करके एग को हैच करते हैं, एग को ले देते हैं, वो हमारे कहलाते हैं कौन से, ओविपैरस एनिमल्स। और एक होते हैं विविपैरस। विविपैरस एनिमल्स हो गए जो क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस द यंग वन, जो यंग वन प्रोड्यूस करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, विविपैरस। इसमें एग्जांपल आ जाता है मैमल्स का, ठीक है। मैमल्स ही ऐसे हैं जो यंग वन प्रोड्यूस करते हैं, उसके अलावा जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे कैसे होते हैं, ओविपैरस होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम इसमें टर्म ले सकते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एक टर्म हम ले लेते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन,
एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है, जब जो फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, तो जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन बॉडी के आउटसाइड हो रहा हो, है ना, फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा हो, आउटसाइड ऑफ द बॉडी, फर्टिलाइजेशन अकर्स आउटसाइड द बॉडी, वो क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में चांसेस ज्यादातर ओवीपेरस के होते हैं। ठीक है, ओवीपेरस एनिमल्स जो होंगे उनमें ज्यादातर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, एम्फीबियंस हैं और हेमिकॉर्डेटा है, बोनी फिशेज हैं, ये सब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन वाले एनिमल्स ओवीपेरस नहीं होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो शो करेंगे उसमें भी ओवीपेरस होते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन कौन सी टर्म, क्या टर्म हुई, जिसमें कि फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, बॉडी के अंदर, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, फर्टिलाइजेशन अकर्स इनसाइड द बॉडी, और किसकी बॉडी में होगा, फीमेल की। ठीक है, फीमेल की बॉडी में होगा। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बर्ड्स में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इंसेक्ट्स में, मैमल्स में, रेप्टाइल्स में, इन सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। अब बात करते हैं हम लोग डेवलपमेंट की, तो दो टाइप के डेवलपमेंट होते हैं, एक तो होता है इनडायरेक्ट और एक होता है डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट डेवलपमेंट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है जब कोई भी एग जब डायरेक्टली क्या होता है, ओवीपेरस एनिमल्स में होती है चीजें, जब एक एग डायरेक्टली एडल्ट में कन्वर्ट हो जाए तो वो कहलाता है डायरेक्ट। ठीक है, जब एग हमारा डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाए, एडल्ट में, तो वो कौन सा कहलाएगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट। इसके बीच में कोई भी बीच में कोई भी स्टेज डेवलप नहीं होती है, सिर्फ डायरेक्टली एग जो निकला है छुआ उससे जो भी प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली एज ए रिजेंबल करेगा एडल्ट। मतलब कि ऐसा नहीं है कि उसमें चाइल्डहुड या मतलब नेट वो डायरेक्टली एज एकदम शो हो जाएगी, मतलब कहने का है कि जो भी उसमें से बेबी बनेगा वो बेबी का स्ट्रक्चर जो है वो एज ए एडल्ट होगा उसमें, मतलब कि कोई भी उसको डेवलपमेंट करने के लिए चेंजेस लाने की जरूरत नहीं होगी, बॉडी स्ट्रक्चर उसका एज ए एडल्ट होता है। जैसे कि हमारी बॉडी में यंग वन प्रोड्यूस करते हैं हम लोग, तो वो यंग वन जो है वो हम लोग का बेसिक फीचर होता है, उसके अंदर ये नहीं है कि बच्चा जब था, इन्फेंट बेबी, बेबी जब था उसमें कुछ और था और बड़े होने पर उसके अंदर बॉडी स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो गया, ऐसा नहीं होगा। बॉडी स्ट्रक्चर क्या होगा उसका, सेम एडल्ट का और जो यंग वन हो रहा है या एग से जो हैच करके बेबी निकल रहा है वो रिजेंबल करेंगे एक दूसरे से, तो वो डेवलपमेंट हुआ डायरेक्ट डेवलपमेंट। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होता है, जब एग से पहले क्या बनता है, लार्वा, और लार्वा से बनता है एडल्ट। ठीक है, जो लार्वा होगा वो एडल्ट से रिजेंबल नहीं करता है, ये एक इनकी मीडिएटर स्टेज हो गई जिसमें कि एग पहले लार्वा में कन्वर्ट होता है, फिर लार्वा के अंदर डेवलपमेंटल प्रोसेस चलता है और वो फिर कन्वर्ट होता है एडल्ट में, और ये डेवलपमेंटल प्रोसेस जो कहलाता है वो कहलाता है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस जो फ्रॉग इंसेक्ट्स इनमें मिलता है देखने को, तो ये मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, सक्सेसिव फिनोमेनल डेवलपमेंटल चेंजेस फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट, दैट इज अ मेटामॉर्फोसिस। इसमें कुछ हॉर्मोन्स की भी रिक्वायरमेंट होती है जिसके बेसिस पे लार्वा एडल्ट में होता है, अगर वो हॉर्मोन नहीं मिलते हैं तो वो लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाता। तो जब कोई भी एग डायरेक्टली एडल्ट में कन्वर्ट होता है तो दैट इज अ डायरेक्ट डेवलपमेंट, और अगर उसमें बीच में एक स्टेज लार्वा की प्रोड्यूस होती है तो वो डेवलपमेंट कहलाता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये दो एक टर्म ये हो गई। नेक्स्ट टर्म है हमारे यहाँ पे नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड जो एक स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, इट इज ए ट्यूबुलर रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिटवीन द नर्व कॉर्ड एंड एलिमेंट्री कैनाल। नर्व कॉर्ड और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में एक ट्यूबुलर रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो मिलती है वो होती है नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड एक स्टिफ स्ट्रक्चर है जो बॉडी को क्या प्रोवाइड कराती है, एक मतलब की स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है, एज ए बैकबोन होती है जो बॉडी को शेप और एक स्टेमिना प्रोवाइड कराती है।
तो ये जो है नर्व कॉर्ड जो होती है जहां से कि नर्व्स ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है। और नोटोकॉर्ड बॉडी को एक शेप और एक फिक्स सपोर्ट देती है, सपोर्ट प्रोवाइड कराती है और एक शेप प्रोवाइड कराती है। तो जिन एनिमल्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है वो कहलाते हैं कॉर्डेट्स, और जिनमें ये एबसेंट होगी वो कहलाते हैं नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है। तो एनिमल्स हैविंग नोटोकॉर्ड, सॉरी नोटोकॉर्ड अगर प्रेजेंट है तो क्या कहलाए वो, कॉर्डेट्स, ठीक है, कॉर्डेटा या कॉर्डेट्स बोल सकते हैं, हैविंग नो नोटोकॉर्ड तो वो कहलाते हैं हमारे नॉन कॉर्डेटा, ठीक है। तो जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है वो कॉर्डेटा, और जिनमें एब्सेंट होती है वो होते हैं नोटोकॉर्ड। नेक्स्ट और लास्ट टर्म जो होती है वो है बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर में कि बॉडी का, एनिमल की बॉडी का टेम्परेचर किस टाइप से होता है, तो यहाँ पे दो टर्म्स हैं, पॉकियोथर्म्स और होमियोथर्म्स। पॉकियोथर्म्स को हम बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स मतलब कि जो पॉकियोथर्म्स शो करते हैं वो हमारे होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, जिनमें की बॉडी का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट नहीं होता, नो कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर, जिनमें एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता रहता है। तो इसमें माइग्रेशन, हिबरनेशन, एस्टाइवेशन जैसी चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे कि बर्ड्स होती हैं वो माइग्रेट कर जाती हैं एक एरिया से दूसरे एरिया में, कुछ एनिमल्स इस तरीके से होते हैं, कुछ विंटर स्लिपिंग करते हैं कि उनको लो टेम्परेचर सूट नहीं करता तो वो उस टाइम पे इनएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। और कुछ एनिमल्स होते हैं समर स्लीपिंग करते हैं, जो उसको क्या कर रहे हैं, मतलब कि उस टाइम पर क्या हो रहे हैं, समर में हॉट टेम्परेचर उनको सूट नहीं कर रहा है तो वो उस टाइम पर सो जाते हैं, मतलब सोना मतलब इनएक्टिव हो जाते हैं, तो वो कहलाते हैं हमारे कौन से, समर स्लीपिंग, ठीक है। तो ये जो है ये एक टेम्परेरी चेंजेस होते हैं, टेम्परेरी एडेप्टेशन होते हैं, और इसमें टेम्परेरी एडेप्टेशन के साथ साथ ये बॉडी का टेम्परेचर जब कॉन्स्टेंट नहीं रहता है, बॉडी का टेम्परेचर क्या रहता है, चेंज होता है, तो इसमें विंटर स्लीपिंग यानी कि हिबरनेशन और समर स्लीपिंग होती है यानी कि स्टाइलेशन। तो ये इस तरीके से अपने आप को उनका टेम्परेचर अपनी मतलब बॉडी के टेम्परेचर को क्या करते हैं, एक चेंज करके अपने आप को एडजस्ट करते हैं एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो वो हमारे कहलाते हैं पॉकियोथर्म्स और यानी कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। सेकेंड टर्म होती है हमारी होमियोथर्म्स यानी कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स। वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर वाले जो एनिमल्स हैं वो होते हैं मैमल और बर्ड्स, इनका बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है। इनका बॉडी टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है ये, मतलब कि अपना बॉडी टेम्परेचर बार बार चेंज नहीं करते हैं। और जो पॉकियोथर्म्स हैं कोल्ड ब्लडेड हैं वो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, जो उनके चारों तरफ एनवायरनमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। तो ये होगी हमारी पॉकियोथर्म्स यानी कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, होमियोथर्म्स यानी कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स। तो ये टर्मोलॉजी यहाँ पर कंप्लीट होती है। आप इस टर्म्स को, इन कंसेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करिए, अच्छे से समझिए, तभी आगे के फाइलम को आप क्लियर कर सकते हो, उनके कैरेक्टराइजेशन में आपको ईजी पड़ेगा क्योंकि ये टर्म्स आती हैं। कोई भी और डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे बायोलॉजी विद दीप्ति जैन पे मैसेज कर सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।